तो घोसलो पढ़ रहे थे ना, घोसलो पढ़ लिया था। एक्चुअली घोसलो का स्टेटमेंट है ना, क्या था भाई, जो नेटफ्लिक्स होता है वो क्या होता है भाई, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और क्या होता है, क्लोज सरफेस पे करेंगे तो सर्कुलर इंटीग्रेशन आ जाएगा। जब आप क्लोज सरफेस से करते हो तो सर्कुलर इंटीग्रेशन मतलब पूरी वॉल्यूम है ना, पूरे क्लोज सरफेस पे, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर फ्लक्स बताता था किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, और जब वो सरफेस एरिया क्लोज्ड होता है, किसी वॉल्यूम को पूरा क्लोज कर रहा होता है, तो हम ऐसे ये लगा देते हैं, इसका मतलब क्लोज्ड इंटीग्रेशन है पूरी वॉल्यूम पे। जैसे स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, आ रहे ओपन सर्फेस और क्लोज सर्फेस में फर्क समझते हो ना। जब भी क्लोज सर्फेस होगा तो ये लगाएंगे हम, और हमारा जो घोसला होता है वो क्लोज सर्फेस के लिए ही बोलता है ना, एनक्लोज्ड। क्या आता है, क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ा था हमने। नेट फ्लक्स कितना होता है, क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमने इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे सॉल्व, है ना। अब हम कुछ डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ घोसला। देखो घोसला इज यूजफुल इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। घोसला कैन बी यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो किस किस तरह की सिमेट्री अलाउड है ना, इन तीन तरह की सिमेट्री होंगी तभी तुम घोसला को लगा सकते हो, वरना नहीं लगाओगे ना। तीन तरह की सिमेट्री, सबसे पहले तो स्फेरिकल सिमेट्री। अगर स्फेरिकल सिमेट्री है तो हम घोसला को लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारी सिलिंड्रिकल सिमेट्री अगर है, और क्या एक प्लेनर सिमेट्री हो सकती है। इन तीन तरीके की सिमेट्री में हम घोसला को यूज़ करेंगे। लिखो अभी अपन सब पे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व तो समझ में आ जाएगा तुम्हें ना, डेरिवेशन करेंगे सभी पर। अब अप्लाई किस तरह से करना है इसको, एल्गोरिथम लिखो इसका, स्टेप्स है ना एल्गोरिथम, मतलब किस तरह से अप्लाई करेंगे। पहली स्टेप है गेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड है इमेजिन द गॉसियन सरफेस सच दैट। अब इसमें दो पॉइंट्स है ना इसके अंदर, पहला और दूसरा। इमेजिन द गॉसियन सरफेस, इसमें अंदर दो पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखो सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स, और सेकेंड पॉइंट लिखो इट इज परपेंडिकुलर एट सम पॉइंट्स एंड पैरेलल एट अदर। समझ में आया, इमेजिन द गॉसियन सरफेस सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स, और परपेंडिकुलर एट सम पॉइंट्स एंड पैरेलल एट अदर पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट लिखो अप्लाई घोसला, बताओ क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखो जिस जगह पर सरफेस पैरेलल है, सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है, मतलब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और वहाँ पे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। तो वो तो गए पैरेलल वाले तो सारे गए, अब परपेंडिकुलर वालों की बात करते हैं। अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो डिग्री कितना होता है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा इंटीग्रेंट ई डी ए, ठीक है। तो ये तुम्हारा सीधा आ जाएगा इंटीग्रेंट ई डी ए इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसलिए हम ऐसा मानते हैं गॉसियन सरफेस, है ना, ठीक है। अब इसके आगे कैसे करेंगे वह भी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ले लेकर। लिखो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी थी पॉइंट चार्ज के कारण,
अभी किस तरह से निकाली थी? कूलम्स लॉ यूज करके. सेम चीज हम गॉस लॉ से निकालने की कोशिश करते हैं ना. लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, और अभी हमने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना वो सारे समझ में आ जाएंगे. तो करते हैं ना. अब भाई प्लस क्यू चार्ज ले लिया ना, इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. किसी से आर डिस्टेंस पे निकालनी है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो पता करना है मुझे. तो बताओ डायरेक्शन कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना? सिमेट्री बोलती है ना. अब इतना तो हमको पता ही है थोड़ा बहुत, है ना? तो हमें पता है भाई जैसा भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही होगी तुम्हारी. तो बताओ गॉसियन सरफेस कैसा माने इसमें, है ना? क्योंकि हमें इस तरह से माना कि गॉसियन सरफेस परपेंडिकुलर होना चाहिए. और यहाँ पे अगर तुम परपेंडिकुलर बनाओगे और दिख रहा है वो स्फेरिकल सिमेट्री है, तो हमारा गॉसियन सरफेस कैसा होगा इस केस में? ये अपन ने कहता हूँ गॉसियन सरफेस कोई असलियत में कोई सरफेस नहीं होता है ना. तुम इमेजिन करते हो अपने दिमाग में, ऐसा कुछ मान लिया तुमने दिमाग में ही है. तो ये हमारा स्फेरिकल हो गया इस बार, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. ठीक है, ये मान लिया हमने. अब कुछ नहीं, हम अप्लाई कर देंगे ना गॉस लॉ. गॉस लॉ क्या बोलता है? इंटीग्रेंट ई वेक्टर डॉट डी ए इक्वल टू क्यू एनक्लोज, कितना है यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. अब हमको पता ही है भाई, उधर से देखो हर जगह परपेंडिकुलर है. इसको सीधा क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेंट ई डी ए, जैसे वहाँ पे लिखा कॉस जीरो डिग्री बन होता है ना. अब ई डी ए में से देखो वो क्या बता रहा है, इधर पे ई डी ए कर रहा है क्या? इस हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी? गॉसियन सरफेस जहाँ पे माना है वहाँ पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तभी तो सिमेट्री है ना. स्फेरिकल सिमेट्री यार, चार्ज से इक्विडिस्टेंट है सारे पॉइंट, डायरेक्शन अलग अलग होगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा. ये तो सिमेट्री बोल रही है, आ रहा है समझ में? तो ई बाहर आ जाएगा कि इंटीग्रेशन के, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ये. इस सरफेस पे जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो ई कॉन्स्टेंट है, तो ई बाहर आ गया इंटीग्रेंट डी ए. अब इंटीग्रेंट डी ए क्या है भाई? ये छोटे से सरफेस में छोटे छोटे को डी ए को करोगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा क्या आ जाएगा? ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर. कितना आ गया वो? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, या फिर के क्यू बाय. अच्छा इसमें अगर डाउट है क्या कुछ, ये कैसे लिखा डॉट से ऐसा कैसे आ गया? क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पैरेलल. एरिया देखो, ये एरिया है, एरिया वेक्टर कैसा होगा? वो ऐसा होगा, अगर तुम छोटा सा मान लो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी इसी डायरेक्शन में है ना. एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, तो इनके बीच का एंगल जीरो डिग्री. तो ई डी ए कॉस जीरो वन हो गया, तो ई डी ए आया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में कॉन्स्टेंट थी तो बाहर निकाल दिया. इंटीग्रेंट डी ए क्या हो गया? टोटल एरिया. चलो इसमें भी इस वाले का मतलब तो समझ में आ गया तुम्हें, परपेंडिकुलर एट ऑल पॉइंट्स, है ना?